नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। चमोली जिले के दशौली विकास खंड के फरसवाण फाट को जोड़ने वाली चमोली लासी सरतौली मोटर मार्ग मंगलवार को मजोटी के पास अवरुद्ध हो गई थी, जिससे क्षेत्र के सैम डूगरा निथौली ठैली मैड़ सरतौली गांव का यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। वाहन चालक नवीन बिष्ट, प्रमोद सोकर, राजेंद्र बारी, कुंदन बिष्ट का कहना है कि ब्लॉक से लेकर जिला प्रशासन से सड़क के सुधारीकरण की मांग लगातार की गई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पाई है, जिसे जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संबंधित विभाग के द्वारा एक बार का डामीकरण का काम भी किया गया, लेकिन वो भी कुछ दिन तक टिक ही पाया। सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन विभाग द्वारा सुधारीकरण का कार्य नहीं किया गया, जिससे वाहन चालकों के साथ ही लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर यशवंत बिष्ट, राजेंद्र बारी, कुंदन बिष्ट, वीरेंद्र सोकर और प्रमोद सोकर, पूरण सिंह, प्रीतम सिंह आदि मौजूद थे। तो सड़कों का हाल बेहाल है, तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद फिर कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चमोली जिले के दशौली विकास खंड के फरसवाण फाट को जोड़ने वाली चमोली लासी सरतौली मोटर मार्ग मंगलवार को मजोठी के पास अवरुद्ध हो गया था, जिससे क्षेत्र के सैम डुगरा, नेथौली, ठैली, मैड और सरतौली गांव का यातायात ठप हो गया है। वाहन चालकों का कहना है कि ब्लॉक से लेकर जिला प्रशासन से सड़क के सुधारीकरण की मांग की, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पाई है, जिससे जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। संबंधित विभाग के द्वारा एक बार का डामरीकरण का काम भी किया जा चुका है, लेकिन वो भी कुछ दिन ही टिक पाया। सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन विभाग द्वारा सुधारीकरण का काम नहीं किया गया, जिससे वाहन चालकों के साथ लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव की लाइफ लाइन कह जाने वाली सड़क गोपेश्वर मुख्यालय से मात्र केवल जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर सरतौली, चमोली और आपका जो है लासी मोटर मार्ग जो है यहाँ पे भारी भूस्खलन जो है बिना बरसात के हुआ था। पीएमजेएसवाई की ये सड़क और पीडब्ल्यूडी की ये सड़क है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से भूस्खलन यहाँ पे हुआ था, तो संबंधित विभाग चाहे पीडब्ल्यूडी हो या पीएमजेएसवाई की सड़क हो, यहाँ पे जिस तरह से लोगों ने जो है ग्रामीणों ने यहाँ पे जो है श्रमदान किया है, क्योंकि विभाग की अनदेखी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद जो है भले ही यहाँ पे जेसीबी जो है 2 घंटे बाद यहाँ पे पहुँचा हुआ हो, लेकिन कल का ये मामला है, कल यहाँ पे लोगों ने यहाँ की सड़क खोली है। तो ऐसे में भले सरकार जो है कितने भी दावे करे, चाहे आपका जो है चाहे उत्तराखंड सरकार हो या संबंधित विभाग हो, तमाम सारे योजनाओं को लेकर धरातल पर उतारने के लिए जो जीता जागता उदाहरण जो है सरतौली लासी मोटर मार्ग का आपको देखने को मिला है, कि यहाँ पे जो है ग्रामीणों ने जो है श्रमदान करके जो है रोड को खोला है, तो कहीं ना कहीं जो विभाग है वो उदासीनता यहाँ पे देखी गई है विभाग की। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है जिस तरह से जो सड़क को जोड़ने वाला जो मार्ग जो है गांव को जोड़ने वाला मार्ग जो है लासी का लासी मोटर मार्ग है, इसको जोड़ने वाले मार्ग को जो है ग्रामीणों ने श्रमदान करके यहाँ पे स्वयं खोला। तो ऐसे में ग्रामीण जो क्योंकि चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में जो ग्रामीण है या ग्रामीण जनता है, तो किस प्रकार से जो है चाहे भाजपा हो चाहे आपका उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार हो, किस तरह से वोट देगी, क्योंकि इनको जो है ग्रामीणों को जो समस्या को लेकर स्वयं ही अपना आप काम करना पड़ता है। तो चमोली जिले के दशौली विकास खंड के फरसवाण फाट को जोड़ने वाली चमोली मोटर मार्ग जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कई बार ग्रामीण इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में मेरा गांव मेरा देश में आज हम बद्रीनाथ विधानसभा पहुंचे हैं, जहां के हालात हमने आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाए हैं, किस तरह से यहाँ के गाँव जो है वो आम सड़कों से कहीं ना कहीं वंचित नजर आते हैं। पथरीले रास्ते हैं, जिससे होकर आम जनता को गुजरना पड़ता है। तो चमोली लासी सरतौली मोटर मार्ग मंगलवार को मजोठी के पास एक बार फिर से अवरुद्ध हो गया। इससे क्षेत्र के सैम डूगरा, नेथौली, ठेला, मैड़, सरतौली गांव का यातायात पूरी तरह से बाधित होता हुआ नजर आया। वहीं कुछ वाहन चालक थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि ब्लॉक से लेकर जिला प्रशासन से सड़क के सुंदरीकरण की मांग लगातार हम कर रहे हैं, सुधारीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सहायता कहीं से भी नहीं मिल रही है। मूलभूत सुविधाएं हैं सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही अगर उत्तराखंड के गांव-गांव तक नहीं पहुंचा है, तो तमाम जो वादे, तमाम जो दावे किए जा रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, वो कैसे पूरे होंगे? अभी उत्तराखंड जवा हुआ है और जवा होते होते हालात
ऐसे हैं, तो अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में किस तरह के हालात हो सकते हैं। मूलभूत समस्याएं भी कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों की समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, मुख्य मार्गों से जो गांव का संपर्क है वो पूरी तरह से टूट जाता है। ऐसे में गांव के हालात कैसे हैं, गांव के लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, वो जानना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आपसे कुछ ही देर बाद कुछ ग्रामीण और मेरे सहयोगी पुष्कर भी मेरे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल उनसे जानेंगे कि किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह के हालात हैं और किस तरह के दावे और वादे यहाँ किए जाते हैं, कितना काम किया जा रहा है, कितना विकास किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए और अंदाजा आप लगाइए। दीपक सिंह ग्रामीण है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगी। दीपक, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। जी बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम आपका। एकदम चाहता हूँ कि आपने इसको आज ये सुबह जो नियुक्त किया है, आपका बहुत बिल्कुल दीपक जी, क्योंकि ये जो खास प्रोग्राम है इसका मकसद ही यही है कि हम गांव-गांव की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं, अब काम दिखाने का वक्त है। सरकार बहुत दावे बहुत वादे करती है, लेकिन अब हमें देखना है कि आखिर किया क्या है, नेताओं ने जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं। और ये जानने के लिए हम आप जैसे लोगों का सहारा ले रहे हैं, ताकि आप हमारे चैनल पर आएं और बताएं कि आपके गांव के हालात कैसे हैं। चमोली जिले के दशौली विकासखंड की हम बात कर रहे हैं, कैसे हालात हैं यहाँ पर, क्योंकि तस्वीरें तो बदतर हैं। देखिए पहले तो मैं आपको एक बात, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या? जी 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 दीपक, अच्छा, मैं सुन पा रही हूं। तो आप सुन पा रहे हैं? जी। तो अभी जो डिस्ट्रिक्ट चमोली, जो चमोली जिला है, तो ये मार्ग हमारे ही निकल करके आगे जाता है। हेलो जी बोलिए। हेलो, वो जो चमोली जो हमारी तहसील है, तहसील से लेकर लासी और सेमडोंगरा खेल में और करतोली भदंगरा, तो कम से कम इसमें 13 इस क्षेत्र में। और आज इतने बने हुए और राज्य की जो सड़कों की स्थिति एकदम शर्मसार करने वाली बातें हैं। बिल्कुल, क्षेत्रीय लोग हैं डेली परेशान हैं और सीएम है, तो सरकार बेकदरी होती है हमारी जनता का। आप लोग बिल्कुल दीपक जी, 10 कांग्रेस सत्ता में रही, 10 बीजेपी सत्ता में रही है, लेकिन हालात ऐसे हैं। क्या सिर्फ एक गांव के हालात ऐसे हैं चमोली में, या फिर तमाम जो गांव हैं उनके हालात ऐसे ही हैं? पथरीले सड़कें और उस पर गुजरने के लिए आम जनता मजबूर। अभी मैं आपको डिस्ट्रिक्ट चमोली की बात, यही होगा और बिल्कुल आपको एक हमारे दवाई दिखा रहे हैं, ये सत्य है, ये सत्य है। मैं बिल्कुल उत्तराखंड के हाल है, मुझे 13 जिलों में से मुझे हाल है, यही हमारे जिला बाकी है। ठीक है दीपक, ये तो सड़कों की बात हो गई, ये तो एक मुख्य मार्ग की बात हो गई, और किस तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं जो आप लोगों तक पहुंच रही हैं, और कौन कौन सी ऐसी हैं जो नहीं पहुंच पा रही हैं? तो ऐसे में आप सरकार से क्या मांग करते हैं, और कौन कौन से ऐसी सरकार है जिसने आपके इलाकों में काम किया है, जिससे आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? जी पहले तो मैं पुष्कर भाई को नमस्कार, प्रणाम, आपका धन्यवाद मेरे भाई, आपने इस कार्यक्रम को आज एक अवसर दिया है। तो आपको बता देता हूँ कि सड़क तो सड़क स्वास्थ्य शिक्षा, अभी बीच में अभी मैंने 13 की हड़ताल भी करी है, अभी 2-3 रेस्ट हो रहे हैं हमारे जी, जानते हैं भले उनको टाइम नहीं मिल पाए, वहाँ पर कैबरेजिंग करने नहीं पहुँच पाए, लेकिन जहाँ मैं अभी 13 भूख हड़ताल आता हूँ, वहाँ पे प्रशासन ने जिस प्रकार जोर जबरदस्ती हमारे साथ करी है,
कितना रिपोर्ट कर दिया है यह कुछ दो अस्पताल के लिए इतने क्षेत्र जब समस्या चाहे की बात है स्कूलों की बात है स्कूलों में टीचर नहीं है बहन जी चाहे प्राइमरी तो आप जूनियर स्कूल ले लो आप वहाँ टीचर नहीं है ठीक है आप दीपक ठीक है मैं आपका रुख करूंगी दीपक एक मिनट मैं आपका रुख करूंगी मेरे सहयोगी पुष्कर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पुष्कर आपने ये तस्वीरें भेजी बेहद ही भयावह तस्वीरें थी रोड जो है सड़कें जो हैं वो खस्ता हाल में हैं पथरीले सड़कें हैं आम जनता इसी से गुजरने के लिए मजबूर है कई बार तो ये रास्ते पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं क्या कोई सुनवाई कहीं नहीं होती बिल्कुल देखिए पारुल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार गांव को जोड़ने वाली जो सड़क जो है लाइफ लाइन कह जाती है गांव की क्योंकि गांव का कनेक्टिविटी और बाजार जो मुख्य बाजार होते हैं इनको जोड़ने के लिए गांव को गांव के लोगों को चाहे सिलेंडर हो चाहे दवाइयां हो चाहे आपके स्कूल जो बच्चे जाते हैं चाहे कॉलेज हो इनको भारी दिक्कतों का सामना चमोली ही नहीं जो हमारे पहाड़ी जिले हैं चाहे आपका चमोली की बात करी जाए या रुद्रप्रयाग की बात करी जाए या आपका टिहरी की बात करी जाए तो पूरे हाल यही है क्योंकि अभी तक जो है सड़कों का जिस तरह से कहते हैं कि सड़कों का जाल चाहे वो पीएमजीएसवाई हो चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो चाहे वो आपका एनएच हो एनएच तो कार्य करता है लेकिन पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें हैं इनमें लगातार ऐसी शिकायतें या ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिली है और जो एक कल का मामला है कल क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा था उसके बाद जेसीबी संबंधित विभाग है इनका जो काम जो है यहाँ पे भारी बोल्डर गिर जाते हैं और जेसीबी जो चलाता है या जो संबंधित विभाग है ये अपना यहाँ से अपनी कली काट लेते हैं तो वैसे ही जो यहाँ के गांव के लोग हैं जो नवयुवक हैं ये रामकोली हो गया सरतोली हो गया आपका जो लास्की हो गया मजोठी हो गया हरमनी हो गया तमाम सारे लोगों ने इसे श्रमदान करके सड़क को खोला लेकिन उसके बाद जब सड़क खुल जाती है तो विभाग जो अपने बिल बनाने के लिए जो है अपनी पीठ खतरवाने के लिए जो है ग्राउंड जीरो पे आ जाता है लेकिन इस समय 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जो जोर आजमाइश है वो सभी पार्टियों की चल रही है क्या आपके गांव जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं क्या बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं क्या योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच रहा है कितनी योजनाओं का पहुंचा है देखिए आपको मैं बहुत तमाम जो क्षेत्र ये केवल एक ड्यूटी बनती है वो बनती है वोट देना मतदान करना नेता तब आती है जब ठीक दौर आ जाता है तो क्षेत्र की याद आती है क्षेत्र की समस्याओं की याद आती है उस रोड की अभी हम बात कर रहे हैं वो रोड में आपको बता रहा हूँ कम से कम तो टोटल कम से 20 किलोमीटर सड़क है उसके इतने हाल समाचार है वहाँ के कि लोगों ने होकर के अपने सड़क को बनाया है उसके बाद जो लोक निर्माण विभाग है वो अभी तक नहीं जा रहा है कार्रवाई होनी है कहीं कार्रवाई नहीं क्यों आज ये और जो सड़क हम जो उपभोक्ताओं के साथ उसमें ना चाहे पहुंच हो कामरीगण की बात हो वो नहीं है क्यों नहीं है क्यों ये चाहे सड़क की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हो चित्र है जाती है घास कभी मिल जाता है जो इकट्ठी रहती है चित्रों में ठीक है पुष्कर जो समस्याएं यहाँ दीपक बता रहे हैं बहुत सारी समस्याएं हैं सड़कों को लेकर वो कह रहे हैं कि लगातार हम मांग करते हैं उसके बावजूद भी सड़कें दुरुस्त नहीं होती हैं देखिए दुरुस्त होना तो बहुत दूर की बात है जो आम सुविधाएं हैं शिक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था के हालात कैसे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूँ तो स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर कैसी है इसके अलावा जो योजनाओं का लाभ है क्या आम जनता तक पहुँच पा रहा है क्योंकि आप लगातार जिले में बने रहते हैं आम जनता के बीच पहुँचते हैं पुष्कर मैडम जी बिल्कुल कुछ भी नहीं है बिल्कुल देखिए पारुल शिक्षा की अगर आपने बात करी तो जनपद चमोली में शिक्षा का स्तर तो चाहे उत्तराखंड जब से बना हो तब से भी गिरा हुआ है अभी भी जो है यदि आप उच्च शिक्षा की बात करें पारुल तो उच्च शिक्षा में केवल जो है जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय था इसको जो है बदल के जो है ये टिहरी का जो है के नाम से इसको रखा गया लेकिन ये केवल खाना पूर्ति है हाँ हालांकि प्राइमरी स्कूल या आप कह सकते हैं कि जो जूनियर हाई स्कूल है अटल आदर्श स्कूल चंपा चमोली में बने हैं थोड़ा बहुत जो है सरकार ने कोशिश भले ही करी है कि स्कूलों को जो है उच्चीकरण किया जाए टीचर यहाँ पे दिए जाए
और गेस्ट टीचरों के माध्यम से यहाँ पे टीचर तो उपलब्ध इस समय है, लेकिन उच्च शिक्षा को लेकर जो है पारुल जो है अभी भी जो है जनपद चमोली बहुत पीछे है, क्योंकि टेक्निकल पढ़ाई जो है नहीं हो पाती है और बच्चे जो है दूर दूर से पढ़ने आते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर तो अभी उतना नहीं कह सकते कि अच्छा है, लेकिन ये स्तर जरा सुधारने की कोशिश जो है वर्तमान सरकार चाहे पिछली सरकारों जरा कोशिश करी है। हाँ, हालांकि स्वास्थ्य की अगर आपने बात करी है पारुल, तो स्वास्थ्य को लेकर जो है जनपद चमोली के जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे आप जोशीमठ की बात करें या गोपेश्वर का जो मेन मुख्यालय का जो हॉस्पिटल है, या कर्णप्रयाग का है, या आपका गैरसैंण का है, या तमाम सारे थराली वाला इलाका है, सब रेफर सेंटर है, क्योंकि पारुल 175 डॉक्टरों में से केवल यहाँ पे कार्यरत जो है 3 या 4 डॉक्टर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है पहाड़ी जो जिले हैं लटर हमको देखने को मिली है। अगर अगर आपने बात करी जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केवल ये कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रहती हैं। हाँ, हालांकि जनधन योजना की अगर बात करी जाए तो लाभ जरूर मिला है, गैस की अगर बात करूं तो जरूर लाभ मिला है, लेकिन उसके बाद जब सिलेंडर की अगर आप बात करेंगे पारुल, तो जब यदि भरने को जाते तो हजार हजार रुपए लोग जो है खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गैस तो सरकार ने दे दिया है, लाभ तो दे दिया, लेकिन भरना जो है सरकार को नहीं है कि आम जनता को है। तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे जो आने वाला जो 2022 का चुनाव होगा ये जो है उत्तराखंड में ही पारुल त्रिकोणी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि सड़क स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर जो है अभी तक जो है कोई राजनीतिक पार्टी को स्थानीय मुद्दे हैं अभी लेकर जो जनता के बीच नहीं गई है। ठीक है पुष्कर, और मैं पारुल नहीं हूँ, काजोल बोल रही हूँ, काजोल मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, और दीपक जी का मैं रुक करूंगी, बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक जी, अगर दशौली विकास खंड की मैं बात करूं तो ये दशौली विकास खंड जो है यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? सड़कों पर हमने बात की है, स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमने बात कर ली है, और जो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी अभी पुष्कर बता रहे थे यहाँ की, लेकिन मूलभूत जो समस्या है वो क्या है? देखिए काजल जी, पहले तो एक बार पुनः मैं आपको नमस्ते करता हूँ, आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे सड़क शिक्षा और स्कूल की, रोजगार तो बहुत बड़ी बात होगी, रोजगार की बात है, उसको मुझे इतना टाइम मिल नहीं पाएगा, इतना टाइम आप नहीं पाएंगे, तो एक बात अवगत कराता हूँ कि 80.4% हमारा उत्तराखंड है, दूसरे उसमें 83% हमारा जो जिला चमोली है, यहाँ के जो साक्षरता परसेंटेज है वो बहुत अच्छा एक की, और महिलाएं इसमें आती है 73% करीब। नहीं दीपक जी, देखिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया लगातार आप लोगों के लिए खड़ा हुआ है, आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, पुष्कर लगातार चमोली में बने रहते हैं, तमाम खबरें भी हमें भेजते हैं और वहां के क्या हालात हैं उससे रूबरू करवाते हैं, तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सीधा आप पुष्कर से कह सकते हैं, पुष्कर जो भी समस्याएं हैं वो हमें बताएंगे, और हम ऐसे ही इसी प्रोग्राम के माध्यम से आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे, चाहे आप हो या आपके बहुत सारे सहयोगी होंगे, बहुत ऐसे ग्रामीण होंगे, महिलाएं होंगी जिन्हें अपनी अपनी समस्या होंगी, आप अपनी बात रख सकते हैं, हमारा मकसद यही है समस्याओं को उजागर करना ताकि नेताओं तक आवाज पहुंच सके और फिर कुछ ना कुछ काम हो। जी जी, तो मैं आपको अब बता रहा हूं कि जो ग्रेड है वो आगे जा रखा है, लेकिन उसके बाद स्कूलों में टीचर नहीं है। अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गांव की रहा हूँ, से हम लोग जो प्राइमरी जो प्राथमिक विद्यालय है एक टीचर भी आज की डेट में अभी प्रेजेंट टाइम में देवेश्वरी मैडम है वो लासी से काम करती हैं, उनके पास भी कि ट्रांसफर का ऑर्डर पड़ा हुआ है, उनको प्रोन्नति होनी है, और स्कूल में वही टीचर पढ़ा रही है जिनके पास ऑलरेडी ट्रांसफर का ऑर्डर आ चुका है, अगर वो अगर ट्रांसफर का ऑर्डर कल कहीं अगर अदर स्कूल में चली जाएगी तो उस प्राइमरी स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। ये मेरे गाँव की बात है, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जूनियर हाई स्कूल के दो टीचर होकर के जूनियर स्कूल तो दो टीचर चल रहे हैं, इस प्रकार की दुर्दशा उत्तराखंड की है, तब बोलते लाइन होगा, तब बोलते कि तमाम जो गरीब नहीं पढ़ पा रहा है, केवल सिर्फ दो टीचर हैं। देखिए अभी
कोरोना काल की वजह से स्कूल उस तरह से नहीं खुल पा रहे हैं, लेकिन अगर दो साल पहले की मैं बात करूं तब भी तो बीजेपी सरकार थी ना उत्तराखंड में, तो ऐसे में बच्चों के पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चों के भविष्य के साथ क्यों? जी मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखिए काजोल जिस तरह से लगातार जो है शिक्षा को स्तर जो है बढ़ाने के लिए सरकारें दावे तो करती हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार जो हम ही कह सकते हैं कि जब दो साल से कोरोना काल, क्योंकि ट्रांसफर भी होना था, प्रमोशन भी होना था और आपका जो इंटरव्यू भी होना था, क्योंकि लगातार जिस तरह से शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जो है बहुत कोशिश करते हैं कि जो दूरस्थ इलाके हैं, दूरस्थ गांव है, क्योंकि पारो जो किलोमीटर के हिसाब से एक मानक बनाया गया था, जो उच्चीकरण स्कूल हो गया या जो स्कूल बंद हो गया, 5 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा स्कूल नहीं होना चाहिए, उसके बाद जो उसका उच्चीकरण होगा। लेकिन जिस तरह से दीपक कह रहे हैं कि उनके गांव में प्राइमरी स्कूल की समस्या हो सकती है, क्योंकि वो छात्र पर डिपेंड करता है पारुल, क्योंकि 5 से 10 छात्र हों या 10 से 15 छात्र हों या 25 छात्र हों, 25 छात्र से ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ पे दो दो टीचर जो है लगे रहते हैं। हाँ, हालांकि पढ़ाई के मामले में अगर बात करी जाए कि तो शिक्षा विभाग ने जो लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट होते हैं, जो टीचर अपॉइंटमेंट होते हैं, मीटिंगों में नहीं जा पाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है इन समस्याओं को उजागर करना, इनकी समस्याओं को सुनना। हम कोशिश करेंगे कि इनके गांव तक पुष्कर आप पहुंचिए और वो तस्वीरें लेकर आइए कि किस तरह की तस्वीरें वहां पर हैं। प्राइमरी स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है, क्या हकीकत है इसमें और कितनी यहाँ पर गाँव में चर्चा है इस मुद्दे को लेकर, आप इसको देखिए और इस पर खबर बनाइए ताकि हम इस खबर को चला सकें, अपनी बुलेटिन में चला सकें और दिखा सकें कि वाकई कुछ ऐसे भी हैं जहां पर नाम मात्र के स्कूल तो खोल दिए गए हैं लेकिन टीचर्स वहां पर मौजूद नहीं है। दीपक, अगर बात करूं बिजली की, तो बिजली की समस्या क्या बनी रहती है गांव में या सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए बिजली के बारे में तो दूर आवाज आ रही है। हाँ दीपक, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, बिजली की जो तमाम समस्याएं का से हमारे मित्र लोग प्लान करके वापस आए हैं, चाहे पैसे जिनके पास रोजगार मिल गया है, कोरोना काल के बाद वो गांव में रहते हैं, उन्होंने दुकानें खोल रखी हैं, तो उनको आज भी अगर रिक्वेस्ट करने के बाद भी एक लगता है जहां पर उन्होंने दुकान खोली है, इतना दुर्भाग्य प्रश्न है। और बाकी प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, इस पर तमाम जो जो बिजली है लाइट 3-4 दिन गोल हो जाती है, तमाम कार्रवाई की कभी कभी हवा तो बाहर चल जाता है तो उसपे जाने के बाद उसपे कार्रवाई, लाइटें बनी रहे ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है दीपक, अब तो ठंड का मौसम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दिल्ली नोएडा तक भी ठंड आ पहुंची है, तो पहाड़ी क्षेत्रों का हाल बहुत ज्यादा यहां पर बेकार हो चुका होगा ठंड की वजह से, तो ऐसे में सरकार क्या कोई कदम उठा रही है, अलाव की व्यवस्था, कंबल वितरण, रैन बसेरों की व्यवस्था क्या की गई है गाँव के आस पास? कुछ नहीं काजल जी, योजना चल रही है। अभी मैं बताऊँ आपको कि कन्याधन योजना चल रही है, तो 2017 में हमारे जो जिला वो के जो 13 जिला है तो इन बालिकाओं को 1 रुपया है और 18 में केवल 5 बालिका है जी को मिला है, जिसकी स्टार कार्ड बनी हुई है, जिसकी कम से कम करेगा जिसकी पक्ष है उसको मिला पाए, लेकिन कम से कम बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट चमोली के अपनी बात 12 पास कर चुके हैं, इनके तक आ गया। और हमारे जो 13 जिला है उत्तराखंड के, कम से कम 40 बालिकाएं हैं, इनके पैसा सरकार ने साफ साफ कम का गुजार कर रखा है। और मैं आपको बता रहा हूँ योजना थी आगे से, ठीक है दीपक, ठीक है पुष्कर, जिस तरह की बातें दीपक यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि ये गांव में रहते हैं, गांव की क्या समस्या है उन्हें हमसे बेहतर पता है। पुष्कर, उन्होंने कहा कि अभी ठंड का मौसम बहुत ज्यादा बढ़ गया है लेकिन उसके बावजूद भी सरकार द्वारा कोई अरेंजमेंट, कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही अलाव की व्यवस्था है, ना ही कम्बल वितरित किए जा रहे हैं, ना ही कोई रैन बसेरे की व्यवस्था है, हकीकत क्या है पुष्कर? बिल्कुल काजोल, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था कि हमने जो है पिछले दिनों एक कठोर गांव का एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, हमने उस खबर को न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया और प्रमुखता से दिखाने के बाद जो है शिक्षा अधिकारी की हमने उस पर बाइट करी, शिक्षा अधिकारी की बयान हमने चलाया, उसके बाद जो है शिक्षा अधिकारी ने जो है
कठूर विद्यालय में, कठूर जो प्राथमिक विद्यालय था यहाँ पे टीचर अपॉइंटमेंट किया है, और हम अपने चैनल के माध्यम से दीपा को के आश्वासन दिलवाते हैं कि हम इनके गांव में आएंगे और यहाँ की समस्या को लेकर खबर दिखाएंगे और आपके यहाँ भी हम टीचर दिलाएंगे। हाँ, अब देखिए काजोल, जिस तरह से आपने बात करी कि शीतलहर जो है पूरे उत्तराखंड में इस समय चल रही है, क्योंकि दिसंबर का महीना है, दिसंबर जनवरी फरवरी लगा हुआ है लगेगा, तो उसके बाद जो है रैन बसेरों की अगर बात करी जाए तो गांव में काजोल जिस तरह से तैयारी होती है यहाँ पे अलाव की व्यवस्था करना, और शहरों में जो है नगर पालिका या नगर निगम इनकी व्यवस्थाएं होती है। शहर की अगर मैं बात करूं तो शहर में तो लकड़ियां तो डाली गई हैं, रैन बसेरे देखे गए, लेकिन गांव की स्थिति जो है प्रधान नहीं ले पाता है, क्योंकि यदि प्रधान एक आदमी को कंबल देगा तो उसके 10 दुश्मन पैदा हो जाते हैं। इसलिए जो है ये व्यवस्था जो है अभी तक जो है उत्तराखंड सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, गाँव तक जो है जनपद चमोली ही नहीं पूरे उत्तराखंड में जो है अभी तक लागू नहीं हो पाई। हाँ, हालांकि जो बड़े बड़े बाजार हैं हमारे, जो बड़े बड़े नगर पालिका है, नगर पंचायत है, यहाँ पे रैन बसेरों की पूरी व्यवस्था है और यहाँ पे जो है प्रशासन जो है लगातार जो है इसको मॉनिटरिंग भी कर रहा है। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यूं ही हम इस खास प्रोग्राम में आप लोगों की आवाज़ बनते रहेंगे, आप लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, किस तरह की परेशानियां हैं, कौन कौन से विधानसभा में, कौन कौन से गांव में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने बात की चमोली जिले के दशौली विकासखंड की, जहाँ पर तमाम समस्याएं जो हैं वो ग्रामीणों ने बताई हैं। हालांकि मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए थे, उनका भी मानना था कि कुछ जगहों पर विकास हो रहा है लेकिन कुछ जगहों पर अब भी जस की तस स्थिति बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।